हेलो एवरीवन। तो यार जैसे कि आप लोगों को पता है, आईआईएम रोहतक ने आपके इस बारी आईपी मैट एग्ज़ाम के साथ एमसीक्यू के साथ एक रिटन एबिलिटी टेस्ट भी आप लोगों का लेना है। आपका सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी तो लेती है, कई यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, और आईएम इंदौर ने ऑल द बिल्कुल भी नहीं कहा है अभी तक। आज मैं 11th को एक डेट बना रहा हूँ वीडियो, 11 जुलाई को, अभी तक नहीं कहा है, बट हो सकता है शायद वो कह दें। तो हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है, और तैयारी रखने में कोई बुराई नहीं है। क्या पता आईएम इंदौर भी वैट लेने के कह दे इस साल आपके एग्जाम के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको वैट के बारे में बताऊंगा। मैं डिस्क्लेमर दे दूं, वीडियो लंबी है, आपको पेशेंटली पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं फॉर्मेट तो बताऊंगा, बट आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं यार, वैट के फॉर्मेट में आपको स्कूल की तरह यहां पे 0 नंबर लिखने मिलने वाले हैं फॉर्मेट लिखने के। फॉर्मेट के यहां कोई नंबर नहीं है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि फॉर्मेट तो इस वीडियो में बता ही रहा हूं, साथ में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे लिखना है, क्या सोचना है, कैसे करना है। मैं डूज एंड डोंट्स बताऊंगा आपको वैट लिखने के। उसके अलावा हमको देखने हैं कुछ डेटा पॉइंट्स। देखो, आपका जो वैट है वो आपके बीबीए एमबीए कॉलेजेस के लिए है, तो आपका जो वैट है, जो आपका एसे है वैट का, उसमें ऐसा नहीं है आप कुछ भी इमोशनल बातें या कुछ भी लिख आओ, आपको चीजों में लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और काफी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स डालने हैं जो कि करंट के हैं, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। हमें कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस भी देखने हैं, और मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले वैट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वैट है क्या? वैट सिंपली यार ऐसे राइटिंग है, हम स्कूल में भी करते आए हैं, हमने आर्टिकल राइटिंग भी बहुत करी है प्रैक्टिस 11th 12th में, ये वही है। बट हमें यहाँ पे अपनी अनलर्न करनी पड़ेगी स्कूल मेंटालिटी ऐसे राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग के टूवर्ड्स, ठीक है। हमें स्कूल में बहुत चीज़ें बताई गई है, हमें वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है हमें यहाँ पे वैट की ऐसे राइटिंग में। हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग करनी है जो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो यार, मैं आपको बताऊँ, ये वैट के जो पैसेज हैं, ये जो ऐसे हैं, ये आपके आईएम्स की सीनियर फैकल्टीज चेक करेंगी। ऑल दो आपकी सीनियर फैकल्टीज, स्कूल की फैकल्टीज सॉरी, काफ़ी एक्सपीरियंस होती हैं, बट उनसे भी काफ़ी सीनियर फैकल्टीज ये होती हैं जो आईएम्स की आपके वैट चेक करेंगी। तो भाई उन्हें आपसे एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी एक्सपेक्टेड होती है, और आपको वो मेच्योरिटी अपनी राइटिंग स्टाइल में दिखानी है। स्कूल वाले जो हम एसेज लिखते थे वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जैसे मैंने बोला फॉर्मेट के यहाँ कोई मार्क्स नहीं है, उसी तरीके से वैट में जो आपका कंटेंट होता है वो किंग होता है, कंटेंट के नंबर मिलेंगे। आपको किसी फैंसी वोकैबुलरी के नंबर नहीं मिलने वाले, अगर आप सोच रहे हो भारी भारी वर्ड्स लिखाओगे कोई उनके नंबर नहीं देने वाला। और हमारे भाई जैसे हम स्कूल में आर्टिकल राइटिंग के लिए बोर्ड्स में हमेशा कहते थे राइटिंग सुंदर लिख के आ जाओ बन जाएगा, यहां पे तो वैट हमें वैसे भी टाइप ही करना है, बट अगर फ्यूचर में राइटिंग वाली कोई चीज आती भी है तो आपको मैं बता देता हूं हैंडराइटिंग के भी यहां पे नंबर नहीं मिलते, यहां पे सिर्फ लॉजिकल और अच्छे कंटेंट के नंबर मिलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बिग मिस्टेक्स, डूज पे आने से पहले हम डोंट्स देख लेते हैं जो हम स्कूल में करते आए हैं पर अब हमें यहां नहीं करने। हमें सबसे पहली चीज क्या नहीं करनी, देखो अगर हमें वैट का कोई टॉपिक दिया गया है, ठीक है, मानो आपको टॉपिक दिया गया है सोशल मीडिया के ऊपर, तो हमें क्या रहता है, हमें स्कूल में हमने आर्टिकल राइटिंग या ऐसे राइटिंग में हमें सबसे पहली चीज क्या दिखाई गई है कि फटाफट से अपनी कोई स्टैंस ले लो कि या तो आप सोशल मीडिया के साथ में हो या सोशल मीडिया के अगेंस्ट हो। देखो वैट में आपको रिटन एबिलिटी टेस्ट में लिखते हुए आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, आपको डिप्लोमेटिक रहना है। डिप्लोमेटिक मतलब कोई भी चीज का डिस्कशन हो रहा हो उसको आपको दोनों साइड्स बताने हैं, क्योंकि देखो आप मैनेजर बनने वाले हो या बीबीए एमबीए करके आप मैनेजर बनना चाहते हो, तो एज अ मैनेजर जब भी कोई डिसीजन लेते हो आपको दोनों हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने होते हैं। तो वही चीज आपको वैट लिखते हुए देखनी है, हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मेंशन करो, और आपको कोई स्टैंस नहीं लेना। अगर लेने की जरूरत है तो अभी मैं आगे बताऊंगा कहां पे आपको लेना होता है कोई स्टैंस या कोई साइड लेनी होती है, बट कोशिश यही करो अपने मैक्सिमम अपने ऐसे में आपको डिप्लोमेटिक रहना है, दोनों जगह बतानी है, किसी भी टॉपिक की दोनों साइड्स बतानी है, ठीक है। आपको क्या करना है, दूसरी चीज जो अनलर्न करनी है कि आपको इमोशन से ज्यादा लॉजिक पे फोकस करना है यहां पे। फॉर एग्जांपल देखो, हमें स्कूल में हमेशा क्या सिखाया गया, मैंने भी अपने आर्टिकल वाली वीडियोस में ये बोला था कि भाई आप मॉरली करेक्ट बातें लिखो, आपके पास जो भी आर्टिकल आए आप ये लिखना चालू करो कि हाँ भाई ये चीज हमारे दिल से जुड़ी हुई ऐसी बातें। बट यहां पे
आपको इमोशंस के बेसिस पे अपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं रखने, अपने वैट में, अपने ऐसे में इमोशंस के बेसिस पे नहीं रखने, आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने हैं लॉजिक के बेस पे। आपके पास नंबर्स होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, या फिर लॉजिक होना चाहिए आपकी बात के पीछे। आप सिर्फ इमोशंस पे काम नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल लेते हुए, अगर मानो टॉपिक कुछ सुसाइड रिलेटेड आया है, ठीक है, तो हमें ये नहीं करना कि यार हम सुसाइड का टॉपिक है तो हम ये कहने लगेंगे कि हमारी फैमिलीज को दुख होता है, लोगों को दुख होता है, नुकसान होता है, ये सब नहीं बोलना हमें। हमें लॉजिक पे जाना है कि हमें ऐसी चीजें डिस्कस करनी है कि क्यों होता है, फार्मर्स में होता है, स्टूडेंट्स में होता है, क्यों होता है, कितना परसेंट होता है। तो मैं आपको वही चीज कि हमें इमोशन से ज्यादा एज अ मैनेजर, हमें इमोशंस हमारे पास डेफिनेटली होनी चाहिए, बट वो आपके 20-30% होने चाहिए। बाकी चीजें आपको जो डिसीजंस हैं या एज अ लीडर आपको लॉजिकली चीजें बोलनी है। उसके अलावा हमें कोशिश करनी है कि हम किसी भी टॉपिक जो भी आए, हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बजाय हम उसके पॉजिटिव्स पे ज्यादा फोकस करें। अब देखो, डेफिनेटली कुछ टॉपिक्स है जिनमें जो नेगेटिव्स ही बेस्ड होंगे, जिसमें सिर्फ नेगेटिव्स होगा। जैसे अगर क्राइम की बात करें, क्राइम के ऊपर टॉपिक है, तो ऑब्वियसली क्राइम एक पॉजिटिव टॉपिक तो नहीं है, उसमें हम ये नहीं कह सकते हाँ क्राइम होना चाहिए, टेररिज्म होना चाहिए। बट हाँ, हम पॉजिटिविटी कैसे उसमें ला सकते कि देखो क्राइम पहले से कम हुआ है या टेररिज्म पहले से कम हुआ है। तो हमें चाहे कैसा भी टॉपिक हो, हमें कोशिश करनी है कि हम उसकी ब्राइट साइड बता पाए। अब हम बात कर लेते हैं डूज, जिसकी बहुत बड़ी लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। हमें अब यहाँ पे क्या क्या करना है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, स्टार्ट करनी है अपने बचे हुए 8-9 दिनों में, आपको डेली सुबह ये 3 न्यूज़पेपर्स देखने हैं, मिंट, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। इन तीनों न्यूज़पेपर को खोलो, इनके एडिटोरियल सेक्शन में जाओ और तीनों न्यूज़पेपर से आपको 3-4 डेली एसेज, यानी हमारे आर्टिकल कुछ भी कहो, उन्हें आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। आप में सब कई बच्चे कहते हो हमारे घर पे इनके न्यूज़पेपर नहीं आते, यार आप केवमैन नहीं हो, आपके पास फोन है, उस फोन में इन तीनों की ऐप्स है यार, इन तीनों की ऐप्स डाउनलोड करके एडिटोरियल में सेक्शन में जाके आप पढ़ सकते हो। तो इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि प्रोफेशनल लोग कैसे लिखते हैं, आप उनके राइटिंग के स्टाइल को और फ्लो को समझ सकते हो, और आपको उसी फ्लो को कोशिश करना है इमिटेट करने की। बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी मत करने बैठ जाना, बट कोशिश करना कि आप उस तरीके से लिख पाओ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कई सारे टॉपिक्स के बारे में, और कई सारे ईडियम्स और फेजेस नए जानने को मिलेंगे। अब आपको दूसरी चीज जो करनी है, आपको डेटा ड्रिवन बनना है। ये चीज मैंने अभी पहले भी कई बार बोली है। देखो, डेटा ड्रिवन का मतलब सिंपली यही है यार, जो मैं अभी आपको डेटा देने वाला हूँ, कई सारी इंपॉर्टेंट फिगर्स है, आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी अपने आर्ग्यूमेंट्स दो, आप जो भी अपने मतलब रीजंस दो, उनके पीछे कुछ डेटा आप यूज करने की कोशिश करो। अब अगला पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं सेकंड वाले से रिलेटेड है, बी एज कंसाइज एज यू कैन, बिकॉज देखो वर्ड लिमिट है। अगर हम आई एम रोहतक के पैटर्न की बात करें, आई एम रोहतक ने कहा है कि आपको 250 वर्ड का एक ऐसे लिखना है, दो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। तो यानी लगभग लगभग आपको 15 मिनट्स मिल रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए, दो क्वेश्चंस हैं और 250 वर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं होती है। तो इस वजह से आपको कोई ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, इमोशनल बातें नहीं करनी है या खामा खा के उल्टे सीधे पॉइंट्स नहीं डालने हैं जिनसे कोई आपको सपोर्ट ना मिले अपने आर्ग्यूमेंट में, ताकि आपकी वर्ड लिमिट ना एक्सीड हो, ताकि आप कुछ खामा खा ज़्यादा ना लिख पाओ। और डेटा बड़ा हेल्प करता है यार, डेटा आपकी एक अच्छी इमेज बनाता है आपके चेकर के आगे, और आपको हेल्प करता है आपका पॉइंट छोटी लाइंस में, छोटे वर्ड्स में प्रूव करने में। एंड यार, डेटा ड्रिवन होने का एक फायदा और ये भी है, देखो आपको मैनेजर, आप बनना चाहते हो मैनेजर, ठीक है, तो अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको चीजों को एनालिटिकली देखना पड़ता है, आपको फिगर्स में और नंबर्स में चीजों को क्वांटिफाई करके देखना होता है। तो यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अवॉइड एम्बिग्युइटी। एम्बिग्युइटी का क्या मतलब हुआ, मेरा यहां पे ये मतलब है कि कॉन्ट्राडिक्ट मत करना अपने आप को। ये नहीं करना कि आप पहले तो एग्री कर रहे हो किसी चीज पे, फिर एकदम से एंड पे आके आप एकदम फ्लिप करके डिसएग्री कर गए, ठीक है, ये मत कर देना कि एकदम ही मुकर गए अपनी बात से, ठीक है। हिपोक्रेसी की सीमा है, वो आपको क्रॉस नहीं करनी है। आपको यहां पे नहीं करना कि आप स्टार्टिंग में बोलो और एंड में आके कुछ और बोल दो, ठीक है। तो अपने आप को थॉट्स में क्लियर रखना, कैसे रखोगे अभी थोड़ी देर में डिस्कशन भी करते हैं। अब आपको एक और चीज इसी से रिलेटेड, परफेक्ट फ्लो होना चाहिए। फ्लो का मतलब क्या हुआ, देखो आपका जो
ऐसी है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ये नहीं कि किसी चीज़ के आप पॉजिटिव बताए जा रहे हो, फिर आपने एकदम नेगेटिव बताने चालू करे, फिर दोबारा पॉजिटिव बताना चालू कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने ऑर्गेनाइज करके नहीं लिखा था, क्योंकि पहले तो आपने पॉजिटिव बोल दिया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो यार ऐसे आपको ऐसे नहीं रखना कि कहीं भी कुछ भी आ रहा है, फिर कुछ आ रहा है, फिर दोबारा कुछ आ रहा है। तो आपको ऐसे फ्लो नहीं रखना, क्लियर फ्लो रखना, ऑर्गेनाइज रखना, पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स, फिर वही आपको चीजें ग्रुप करके रखनी है, ठीक है। क्रॉस चेक फॉर स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है। कोशिश करना, कोशिश क्या, बिल्कुल मेक श्योर करना कि स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। यार आप आईएम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहां के सीनियर फैकल्टी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि एटलीस्ट आप स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करो। और लास्ट चीज, फ्रेजेस का हमें यूज़ करना है। फ्रेजेस का मतलब हमें कोशिश करना है, हम किसी चीज़ को कहने के, देखो कई तरीके होते हैं, हमें कोशिश यही करनी है कि हम जो कहें वो हम थोड़े सोफिस्टिकेटेड वे में कहें, थोड़े ईडियम्स यूज़ करें। जैसे अगर हम लिखने की बजाय कि दे एग्रीड, या फिर आप ये लिखो कि वो दोनों के बीच में मतलब एग्रीमेंट था, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि दे सॉ आई टू आई, सॉ आई टू आई या सी आई टू आई का मतलब ये होता है कि वो लोग या हम लोग एग्री करें आपस में, ठीक है। तो आपको कुछ फ्रेजेस यूज करने हैं, उनके बारे में मैं एंड में आके डिस्कशन करूंगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर्मेट क्या है हमारा वैट का, और क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है अपने ये चीज़ें लिखते हुए। सबसे पहले हमारा पैराग्राफ है वो 2 से 3 लाइन्स है, मैक्स टू मैक्स 4 लाइन्स का करना है आपको। उसमें आपका जाना है इंट्रोडक्शन, और जब मैं इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ तो भाई उस टॉपिक का एक्चुअल में इंट्रोडक्शन ही लिखना है आपको, ना उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स या फिर आपको उसकी कोई भी तरीके का अपनी साइड बिल्कुल नहीं लेनी है फर्स्ट पैराग्राफ में, तो ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बोल दूँ आगे बढ़ने से पहले, देखो यार अब आप स्कूल जैसे क्लियर कर चुके, मैं कई बार ही बोल चुका हूं बात, आपसे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करी जा रही है। तो कहने का मेरा मतलब यहां पे ये है, जो भी मैं चीजें दे रहा हूं आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से डेफिनेटली थोड़ा बहुत मोल्ड करना है, अगर एक्सेप्शनल केसेस हो तो उसकी तरह उसे डील भी करना है। अगर आप, मैं यहां पे जो बता रहा हूं उसको सीधा कॉपी पेस्ट करके आ रहे हो, वहां की फैकल्टी काफी सीनियर होती है, वो आपको, उनको टाइम भी नहीं लगेगा पकड़ने में कि सीधा सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया, दिमाग नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो आपका पहला होना चाहिए पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब इंट्रोडक्शन, नो चांस। आपको अपने मैटर ऑफ टॉपिक को जो भी है आपका उसको डिफाइन करना है, या उसको या फिर उसको इंट्रोड्यूस करना है। जैसे सोशल मीडिया पे अगर आ गया कि सोशल मीडिया इज अ बून और अ बेन, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पहले सोशल मीडिया को डिफाइन करना है। ये नहीं कि आप सोशल मीडिया के साथ हो गए या खिलाफ हो गए या फिर आपने कुछ बताना चालू कर दिया, आपको डिफाइन करना है पहले कि सोशल मीडिया क्या है, ठीक है। सोशल मीडिया में सिर्फ ये नहीं है कि आपका व्हाट्सएप फेसबुक आता है आप ये लिखाओ, सोशल मीडिया में हर चीज़ आ जाती है यार, सोशल मीडिया में यूट्यूब भी आ जाता है। तो आपको सारी चीज़ें लिखनी है कि सोशल मीडिया की डेफिनेशन ये है कि सोसाइटी में कोई भी इंसान अपना घर बैठे बैठे मास ऑडियंस को रीच कर सकता है। ये सोशल मीडिया की एक जनरल डेफिनेशन बन जाती है कि कोई भी मीडिया की तरह अपने आप को ब्रॉडकास्ट कर सकता है। तो आपको ऐसे डिफाइन करना है, या फिर आपको उस टॉपिक के आपको समझाना है कि वो ओरिजिन क्या था। अगेन टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मानो फेमिनिज्म के ऊपर टॉपिक है तो आपको समझाना है कि फेमिनिज्म का ओरिजिन क्या था, ठीक है, या फिर वो कहां से डेवलप हुआ या उसकी नीड कहां से बनी। अगर आपको नहीं पता है उसका टॉपिक ऑफ ओरिजिन तो एटलीस्ट कुछ रूट कॉज लिखना कोशिश करो कि उसकी नीड कहां से बनी उस चीज की आने की, ठीक है। मैंने ये चीज बोली दी, कोई कंक्लूजन या कोई स्टैंस नहीं लेना है फर्स्ट पैराग्राफ में। और देखो जैसे कि हम 12th की आर्टिकल राइटिंग में बार बार इस चीज को बोलते थे कि भाई कोट्स यूज करना, ग्रेट पर्सनैलिटीज के कोट्स यूज करने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में, पर यहां पर ऐसा नहीं करना। आपको कोई महात्मा गांधी जी का या किसी का भी कोट नहीं लिख के आना है, कोशिश यही करनी है। अगर बिल्कुल ही कोई आपके दिमाग में ऐसा कोट है जो उस टॉपिक से बिल्कुल मैच खाता है तो वो एक्सेप्शन है, बट हाँ आपको कोट किसी महान इंसान के कोट की बजाय आप डेटा यूज करोगे तो आपके लिए डेटा बेटर रहेगा। एक मैनेजर को डेटा ड्रिवन होना ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब आपको पैरा 2 और पैरा 3 में आप एनालिसिस करोगे अपने टॉपिक का, ठीक है। आप देखो आपको नीड लग रही है पैरा 3 लिखने की तो भाई पैरा 3 लिख लेना, नहीं तो पैरा 2 में आप कंप्लीट करके, ठीक है, कंक्लूजन वाला जो आपका पैराग्राफ है वही आपका पैरा 3 बन सकता है। बट अगर आपको नीड लग रही है 2 पैराग्राफ्स लिखने की तो 2 लिख लेना और कंक्लूजन वाले को पैरा 4 बना के लिखना, ठीक है। आपको क्या करना है पैरा 2 और पैरा 3 में, अगर आपका टॉपिक कुछ इस तरीके का है जहां पे प्रोस कॉन्स दोनों है, वैसे मोस्टली टॉपिक्स में यही रहता है, तो आपको पैरा 2 में भाई अपने प्रोस देने हैं और पैरा 3 में आपको उसके नुकसान देने हैं, ठीक है। अगर किसी नेगेटिव चीज पे है तो आपको उसके आपको बताना है कि हां भाई उसके क्या क्या आपको, जैसे
ऑब्सेसिव गेमिंग होती है, ठीक है, ऑब्सेसिव गेमिंग की, जब बच्चे पबजी पूरा 24/7 खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली इस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो आपको फिर उस केस में क्या करना है, सेकंड पैराग्राफ में तो बताना है कि ऑब्सेसिव गेमिंग क्यों हो रही है, ठीक है, क्या इसके नंबर्स हैं, कितने बच्चे खेल रहे हैं या इसका इंपैक्ट क्या है, और पैरा थ्री में आपको बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई बिल्कुल नेगेटिव टॉपिक है तो पैरा टू में आप बता दो भाई उसके उसके क्या कहते हैं आपके इंपैक्ट क्या है, और पैरा थ्री में बताओ कि उसके सोल्यूशन क्या हो सकता है। और आपको वही चीज एनालाइज द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम विच विद द डेटा फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव इंस्टेंट ऑफ टेकिंग साइड्स। वही चीज मैं कई बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूं कि आपको कोई साइड, कोशिश करो आप कोई साइड ना लो, और आप एज अ मैनेजर आपके पास आपको यही चीज देखनी होती है कि आप हर साइड को देख पाओ, आप हर साइड को कंसिडर कर पाओ, ठीक है। और हमारा पैराग्राफ थ्री में क्या है, कंक्लूजन आपको करनी है, समराइजेशन करनी है, ठीक है। आपको पहले अपने पैराग्राफ थ्री में स्टार्टिंग में समराइज करना है आपने क्या क्या बताया, आपको अगेन आपको जो आपने ऊपर पैराग्राफ 1, 2, 3 में लिखना लिखा है वो दोबारा मत खाना, पर समराइज करना कि आपका टॉपिक क्या था, और फिर आपको एंड की लाइंस में आपको शॉर्ट कंक्लूजन एक या दो लाइन की लिखनी है कि क्या कंक्लूड आप करते हो, क्या कंक्लूजन बनती है। पर हां, मैंडेटरी नहीं है कंक्लूजन लिखना, अगेन टॉपिक टू टॉपिक वो चीज डिपेंड करेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोसेस क्या है वैट राइटिंग का, या फिर अगर आपके आगे आपने क्वेश्चन देखा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो आपको क्या चीजें करनी है आपको क्वेश्चन पढ़ते ही। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको यह करना है कि आपको पहले लिखना है राइट down all the points which you can think of. आप बस दना दन जितने भी points आपके दिमाग में आ रहे हो उस topic से related, आप सारे के सारे लिख दो, ठीक है, सब कुछ लिख डालो, ठीक है। आपको कोई ऑर्गेनाइज वगैरह कुछ नहीं करना, बस जो आ रहा है लिख दो। अगर आपका देखो आई एम रोहतक में पेन पेपर अलाउड है तो पेन पेपर पे लिख देना, नहीं अलाउड है तो आप टाइप करके अपने शॉर्ट पॉइंट्स बनाते जाना। जैसे अगर मानो अगेन मैं उस चीज को कंटिन्यू करता हूं, साइड पे हमारा कोई टॉपिक आ गया, ठीक है, तो हम फटाफट पहले हम टॉपिक लिखेंगे। भाई मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया, स्टूडेंट सुसाइड, ठीक है, फिर फार्मर सुसाइड मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं स्टूडेंट सुसाइड लिख लूंगा, मैं फार्मर सुसाइड लिखूंगा, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा, फिर मेरे दिमाग में आ रहा है कि सुसाइड की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं लिखता हूँ डिफाइन सुसाइड, स्टूडेंट सुसाइड, फार्मर डिसाइड सुसाइड, ठीक है, सुसाइड के रीजंस क्या हो सकते हैं, रीजंस ऑफ सुसाइड, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने करके 7, 8, 10 जो भी मेरे दिमाग में चीजें आई वो मैंने लिख ली। फिर क्या करना है, अब आपको सारे जो भी आपने पॉइंट्स लिख दिए उनको ऑर्गेनाइज करना है कि कौन से पॉइंट्स आपके पैराग्राफ 1 में जाने चाहिए, कौन से पैराग्राफ 2 में जाने चाहिए, कौन से 3 में जाने चाहिए, कौन से 4 में जाने चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फ्लो अच्छा होना चाहिए, मैंने डूज में बताया था, तो अगर आप ये ऑर्गेनाइजेशन करोगे तो आपका फ्लो आएगा, ठीक है। पॉइंट 3 हमारा क्या है कि प्रायोरिटाइज द मोस्ट पावरफुल वंस, ठीक है। अब आपने मानो सारे ऑर्गेनाइज कर दिए कि इंट्रोडक्शन में ये बोलूंगा, सेकंड पैराग्राफ में ये, थर्ड पैराग्राफ में ये, फोर्थ पैराग्राफ में ये, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जो आपके सबसे पावरफुल पॉइंट्स है, मतलब जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो आपको लग रहे हैं कि हाँ यार ये मैं बड़ा प्यारा पॉइंट मार रहा हूं और ये मेरे पास इसको सपोर्ट करने के लिए डेटा भी है, मेरे को चीजें इससे रिलेटेड काफी अच्छी पता है और मेरे पास इसके रिलेटेड अच्छा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, तो उस चीज को आप सबसे ऊपर रखो और जो चीज आपको लग रहा है आपका वीक पॉइंट है उसको आप नीचे डाल दो, ठीक है। तो आपको ये चीज प्रायोरिटाइज करनी है अपना कि कौन से पावरफुल पॉइंट है, क्योंकि भाई वैट का भी चाहे कुछ भी हो पूरा का पूरा कोई टीचर या पूरा एक एक लाइन ढंग से कोई टीचर नहीं पढ़ता। स्टार्टिंग में अगर आप अच्छा कर दोगे तो आपकी अच्छी इमेज बन जाएगी और अच्छे मार्क्स आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। और एलिमिनेट द वीक पॉइंट्स, फोर्थ आपका स्टेप होना चाहिए कि आप जो है, अब देखो आपने पहले आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए, फिर आपने ऑर्गेनाइज करे कहां पे कौन सा पॉइंट जाना है, फिर आपने देखा कि हाँ ये वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे को पता ही अच्छे से मैं लिख पाऊंगा या इसके बारे में अच्छा डेटा जानता हूं तो वो लिख दो। और आपको क्या करना है, देखो जैसे मैंने बोला कॉन्साइज होना चाहिए हमारा ऐसे, उसमें कोई आपका मतलब हमें वर्ड लिमिट नहीं क्रॉस करनी है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई ऐसे पॉइंट लिखे हैं फर्स्ट स्टेप में जो कि बहुत वीक है या जिसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है या कोई ऐसा खास वो एडिशन नहीं कर रहा है आपके वैट में, तो उसको हटाई दो, उसको मत लिखना, क्योंकि हम सब कुछ तो लिख नहीं सकते, हमें यहाँ पे इतना जगह नहीं है, टाइम नहीं है सब कुछ लिखने का। अब हम बात कर लेते हैं डेटा पॉइंट्स के बारे में, जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि मैं आपको डेटा पॉइंट्स दूंगा। देखो मैं कई सारे डेटा पॉइंट्स आप लोगों से यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ये सारे डेटा पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ आपको लिखते हुए काम आ जाएगा। और अगर आपको नीट लग रही है कुछ और डेटा पॉइंट्स या कुछ और चीजें जानने की, फील फ्री टू रिसर्च, फील फ्री टू यू नो हैव दैट क्रिएटिविटी कि आपको जो चीज सबके पास है उससे थोड़ा सा आप और अच्छे से जा पाओ, बट मैं यहाँ पे आपकी मेजोरिटी चीजें कवर कर रहा हूँ। देखो इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या चीजें जानना जरूरी है, मैंने लिखा है जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे, इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई, गवर्नमेंट बजट, हमारा गवर्नमेंट बजट कितना था, हमारा गवर्नमेंट बजट माइनस में था, गवर्नमेंट बजट 4.5
0.59% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी टर्म के बारे में नहीं पता, गूगल सर्च कर लो, आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे इन टर्म्स का मतलब। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा -3150 मिलियन डॉलर्स था, मतलब हमने इतना ज्यादा हमने इस एक्स्ट्रा इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट के मुकाबले। कॉर्पोरेट टैक्स इतना परसेंट है, जीडीपी इंडिया की 3.2 ट्रिलियन है और जीडीपी पर पर्सन है हमारी इतने हजार डॉलर। डेमोग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मीडियन एज जो है इंडिया की वो 28.1 है। इसका मतलब क्या है कि हमारी मीडियन मीन मीडियन मोटर बचपन से पढ़ रहे हो, मीडियन एज 28.1 होने का मतलब क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत यंग है। तो इस पॉइंट को आप कई जगह यूज कर पाओगे, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा काफी अच्छा है, अर्बन पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो यहां पे पॉइंट है कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में सिर्फ 34.5% लोग सिटीज में रहते हैं, बाकी सारे गांव में लगभग 75.5 लोग आपके रहते हैं गांव में या फिर रूरल एशिया इंडिया में। सेक्स रेशियो में हमारी हर फीमेल पे 1.1 मेल्स हैं, आपको पता ही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा है कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो आपकी सेक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्टिलिटी रेट यह हमारा है कि पर वुमन 2.4 चिल्ड्रन हमारे यहां ऑन एन एवरेज होते हैं, ठीक है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ का काफी क्राइसिस है इंडिया में, इसके आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स यहां पे क्या बनते हैं। हमारा लाइफ हमारे यहां पे जो सबसे दिक्कत वाला है डेटा पॉइंट वो है हमारे पर पर्सन पर हजार लोग, हमारे यहां 0.9 हॉस्पिटल बेड्स है, तो यानी हर हजार लोगों पे हमारे यहां एक हॉस्पिटल बेड तक नहीं है प्रॉपरली। बाकी उसके अलावा बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये सब लिखा हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में काफी बड़ी है, 69.1 ईयर्स हो गई है पहले के मुकाबले, और डायबिटिक पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन में से 10.4% लोग है, तो ये थोड़ा कॉन्सर्न वाली, काफी कॉन्सर्न वाली चीज है, ठीक है। एजुकेशन में हम कितना बजट स्पेंड करते हैं जीडीपी से, वो ये रहा, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर ये है, लिटरेसी रेट ये हमारा है। पब्लिक हर 5 पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स पे 7 हमारे पास पब्लिक यानी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। और एक चीज हमारे लिए बहुत जानना इंपॉर्टेंट है डेटा पॉइंट, वो है रूरल वर्सेस अर्बन इंडिया, क्या हालत है रूरल इंडिया की अर्बन इंडिया के मुकाबले। इसके लिए मैंने डेटा पॉइंट्स आपके लिए यहाँ लिखे नहीं है, मैं आपको एक आर्टिकल का लिंक, काफी अच्छा आर्टिकल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आपके कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में होगा, आप वो जाके देख लीजिए। उस लिंक पे आपको कई सारे डेटा पॉइंट्स और काफी ज्यादा इंसाइट्स मिलेंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वैट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते फ्रेजेस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। देखो यार, फ्रेजेस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैं सबसे पहली चीज फ्रेजेस के लिए आपको ये बोल देता हूं कि या देखो, फोर्स फिट मत करना, जो भी फ्रेजेस मैं दूंगा आपको उनको पूरा ढंग से समझना, और जब समझ में आ जाए और ढंग से यूज हो रहा तो यूज करना। आपकी ये बोर्ड वाली फैकल्टीज नहीं है चेक करने वाली, जो कि थोड़ा बेध्यानी से करती हैं, ये सीनियर फैकल्टीज है। अगर फोर्स फिट करोगे, जबरदस्ती घुसाओगे, कोई लॉजिक नहीं है तब भी घुसा दोगे, तो ये पकड़ लेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे आपको, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात रही तो देखो, जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही वाले आएंगे, बट मैं काफी अच्छे टॉपिक्स दे रहा हूं जो कि आपके सिंबायसिस के सेट ए में भी क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके IIMs में पहले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आपको अगर ये सब चाहिए तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंस एकेडमी इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पे जाना है। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, टेंशन मत लो यार, आप वैसे भी खोल सकते हो अपने पीसी या फोन से बिना अपना अकाउंट बनाए हुए, बट अगर अकाउंट बना के फॉलो करोगे हमें तो आपको काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। तो प्रिंस एकेडमी इंडिया के आप अकाउंट पे जाओगे ना, हमारा होम पेज आएगा, उस होम पेज में देखना आपका हाईलाइट्स के ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स बने होंगे, उन हाईलाइट्स में मैंने ऐड कर दूंगा कल, अभी मैं 11th जुलाई को बना रहा हूं वीडियो, 12th जुलाई तक आपके दो छोटे सर्कल्स होंगे जिसमें एक होगा फ्रेजेस के नाम से और एक होगा वैट टॉपिक्स के नाम से। उसमें आपको इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, उनके एग्जांपल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोनों मिल जाएंगे कल, ठीक है। तो आप वो कल हमें जाके फॉलो कर लेना अपडेट्स के लिए और इसके लिए भी। तो ये है हमारी सारी वैट की चीजें। बेस्ट ऑफ लक गाइज आपके एंट्रेंस के लिए, एंड बाय।